हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी विगनर्स की। आज है 5 फरवरी 2020। डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक जो रहेंगे वो पर डे की तरह ही रहेंगे। मोटिवेशन कोट रहेगा जो आपको मोटिवेटेड करेगा। वालाने न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी, स्पेशल नॉलेज रहेगी। एक स्टेट को हम डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी रहेंगे और स्टैटिक जीके को डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा वॉच करना है टिल एंड तक, ओके। मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और वो सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या लगता है, किसी काम को देखकर हम ये सोचते हैं कि ये हमसे हो नहीं पाएगा, पर आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई भी काम टफ नहीं होता है, बस जब तक हम लोग नहीं करते हैं प्रयास उसका, तब तक वो कठिन रहता है। जैसे आपके लिए कोई भी बात हो, आपने सोचा कि इंग्लिश का सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत टफ है, पर आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो वो आपके लिए इजी होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको प्रयास करते जाना है। भले ही मैटर ये नहीं करता है कि आप कितनी धीरे चल रहे हैं, मैटर ये कर रहा है कि आप कब तक रुकेंगी नहीं। एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप रुकेंगी नहीं, निरंतर चलते रहेंगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी कामयाबी को हासिल कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वन लाइनर न्यूज़ देख लेते हैं क्या रहेंगी। रक्षा से पहली न्यूज़ रहेगी, हेरॉन टीपी नामक मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड द्वारा किस देश की कंपनियों के साथ साझेदारी के साथ भारत में निर्मित होगा। तो ये इसराइल के साथ जो है ये विकसित किया जाएगा। तो अब इसराइल की बात हो रही है, तो इसराइल की जो कैपिटल होती है वो होती है यरूशलेम। यहाँ की जो करेंसी होती है उसे कहते हैं न्यू शेकेल। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन और रीड कर देते हैं। हेरॉन टीपी नामक मानव विरहित लड़ाकू हवाई विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किस देश की कंपनियों के साथ साझेदारी के साथ भारत में निर्मित होगा। तो भारत में क्या होगा कि एक मानव विरहित लड़ाकू हवाई वाहन जो होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी जो कि हमारे भारत की कंपनी है, उसके द्वारा एक कंपनी, मतलब एक किस देश की कंपनी के साथ निर्माण किया जाएगा हेरॉन टीपी नामक लड़ाकू हवाई वाहन का, तो इसराइल के साथ, ओके। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राहकों के लिए आईवॉक्स नामक एक स्वयं सेवा वितरण सुविधा शुरू करने वाली बैंक का नाम क्या है। तो एक ग्राहक के लिए इन्होंने एक आईवॉक्स नामक स्वयं सेवा वितरण सुविधा शुरू की है, तो इस बैंक का नाम है ICICI बैंक। अब ICICI बैंक से UPPCL का पेपर अगर आप किसी ने दिया है 2018 में, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था ICICI की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये तो आपके लिए इसकी फुल फॉर्म हो गई। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो सेकंड वाला सी है, लास्ट सेकंड जो सी है, मतलब कि ये वाला सी है, उसका मतलब क्या हुआ, तो उसका मतलब हुआ कॉरपोरेशन। अगर फर्स्ट सेकंड का पूछेंगे तो वो होगा क्रेडिट। ऐसे भी आपको याद रखना है। अब ICICI बैंक के जो हेड है उनका नाम है संदीप बख्शी जी, MD एंड चेयरमैन जो है। हेडक्वार्टर आपको ICICI बैंक का जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वो मुंबई में मिल जाएगा। और इसकी टैगलाइन अगर आपको याद रखनी है तो आप रखेंगे, इनकी टैगलाइन है हम है ना, ओनली हम है ना। ICICI बैंक की जो टैगलाइन है वो है हम है ना। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। फुल फॉर्म आपको पता चली गई है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओके। पर्यावरण से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहेगा। तिब्बती पठार के ऊपर ठहरे एक 15,000 साल पुराने गुलिया आइस कैप के अंदरूनी भाग में शोधकर्ताओं को विषाणु के 33 समूह मिले, जिनमें से इतने अभी भी अज्ञात हैं। देखो, तिब्बती पठार है, उसके ऊपर ठहरे हुए 15 साल पुराने गुलिया आइस कैप के अंदरूनी भाग में शोधकर्ताओं को विषाणु के 33 समूह मिले हैं, जिसमें से 28 अभी भी अज्ञात हैं। मतलब उनको भी डिफाइन नहीं कर पाए कि उन्हें क्या कहा जाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका का डूम्सडे ग्लेशियर, जो अंटार्कटिका के सबसे तेजी से पिघलने वाली हिमनदियों में से एक है, तो वो कौन सा है।
थ्वाइट्स हिमनदी। ओके, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेते हैं। एकुशी पुस्तक मेला आयोजन का जो एकुशी पुस्तक मेला है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, कौन से देश में, तो ढाका में। ढाका क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल है। ओके, शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, अब्दुल हमिद वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ओके, और बांग्लादेश के से अगर हमारे क्वेश्चन बनेगा, अगर हमारे एग्जाम में, तो बनेगा संप्रीति सैन्य अभ्यास हमारे भारत और बांग्लादेश के मध्य हो रहा है, तो 2020 में ये कहाँ पर हुआ है, मेघालय की उमरोई नामक स्थान पर, या अमरोई जिले में संप्रीति नामक सैन्य अभ्यास जो है भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ है। भारत और किस देश ने एडू एटोल में के 5 द्वीपों में एडू पर्यटन क्षेत्र की स्थापना के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो किए हैं मालदीव के साथ। ओके, लंदन में ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बफ्टा 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तहत 7 पुरस्कार जीतने वाली फिल्म का नाम क्या है, 1917 सैम मेंडेट्स द्वारा निर्देशित। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो आपकी राष्ट्रीय न्यूज़ रहेगी। उत्तर पूर्व क्षेत्र में खाद्य उद्योगों को तकनीकी सहायता, मतलब टेक्निकल हेल्प प्रदान करने के लिए एपीडा और CSIR CFTRI के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत किस शहर में लियाइशोन कार्यालय खोला जाएगा, तो CSIR के बीच द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो होता है वो आपकी CSIR की फुल फॉर्म होती है। अब इसमें कहाँ, किस शहर में, तो गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है, असम का एक शहर है, ठीक है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं CSIR को हिंदी में, और जो CFTRI दिया है इसे कहते हैं सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, अंग्रेजी में कहेंगे सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना इसकी हुई थी 1950 में, मुख्यालय आपको बेंगलुरु कर्नाटक में मिल जाएगा। ओके, तो ये जो है CSIR, ये आपका वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, इसके साथ और एपीडा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, क्यों, खाद्य उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, कहाँ पर, गुवाहाटी असम में। गुवाहाटी से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, 2020 के जो खेलो इंडिया हुए हैं, खेलो इंडिया के जो खेल हुए हैं वो कहाँ पर हुए, गुवाहाटी शहर में हुए हैं। देश में साझा और मजबूत विज्ञान और प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई अनूठी योजना जो है वो कौन सी है, तो वो है सोचनीय विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान। अगर पूछा जाएगा तो साथी के नाम से आपसे पूछ लिया जाएगा, जो योजना साथी है उसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, सोचनीय विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा प्रज्ञा 2020 नामक राष्ट्रीय स्तर का भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण तकनीकी महोत्सव का आयोजन स्थल क्या है, तो ये बसर में हुआ। बसर कहाँ है, तेलंगाना में। तेलंगाना से आपको याद रखना है, तेलंगाना 2 जून 2014 को गठित हुआ है, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ। ओके, तेलंगाना की कैपिटल हो जाती है हैदराबाद। के चंद्रशेखर राव जो है वहाँ पर CM है, और तमिल साई सौंदर राजन जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। व्यक्ति विशेष से बात कर लेंगे अब। द्वितीय पैन गौरी लंकेश अवार्ड फॉर डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म के विजेता कौन बने हैं, तो ये बने हैं यूसुफ जमील, ये जम्मू के पत्रकार हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सामाजिक कार्यकर्ता कौन है जिन्हें आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम के तहत उनकी स्पर्श गंगा पहल के लिए सम्मानित किया गया है, तो वो है आरसी निशंक, ये सोशल वर्कर हैं एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पर फिक्की की क्षेत्रीय समिति के नए अध्यक्ष कौन हैं या कौन बने हैं, तो वो बने हैं संजय नायक जी। ओके, खेल से संबंधित न्यूज़ देख लेते हैं। वह भारतीय बॉक्सर मुक्केबाज जो है
कौन है जिन्होंने वोरस मतलब कि स्वीडन, वोरस एक स्वीडन में जगह है, वहाँ पर गोल्डन गर्ल चैम्पियनशिप में जूनियर वर्ग में बेस्ट बॉक्सर का पुरस्कार जीता है। तो उनका नाम है प्राची धनकर, ये 50 किलोग्राम में इन्होंने जो बेस्ट बॉक्सर का पुरस्कार जीत लिया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, प्राची धनकर किस खेल से संबंधित हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप बॉक्सिंग बता सकते हैं, बता देंगे। राज्य की बात करेंगे, राज्य विशेष से जो भी न्यूज़ रहेंगी उनकी बात करेंगे। तेलंगाना में राज्य सरकार ने कहाँ नई वायरोलॉजी लैब खोली है, तो गांधी अस्पताल हैदराबाद में उन्होंने वायरोलॉजी लैब खोली है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, हाल ही में वायरोलॉजी लैब कहाँ खोली गई है, तो तेलंगाना में। अगर पूछ लिया गया तेलंगाना की किस स्थान पर, तो गांधी अस्पताल हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख पर्वतारोहण संघ ने कहाँ आइस क्लाइंबिंग उत्सव का आयोजन किया है, तो गंगल्स गांव में लद्दाख पर्वतारोहण संघ ने आइस क्लाइंबिंग उत्सव का आयोजन किया है। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई उससे संबंधित सामान्य ज्ञान को हम देख लेते हैं। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में हुआ भाषा आंदोलन जिसे बंगला को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित किया गया था, तो किया गया था फरवरी 1952 में। ओके, कृषि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को, मुख्यालय मुंबई में है। अगर MD एंड CEO पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे हर्ष कुमार भनवाला। ओके, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना इस दिवस से मतलब किस दिन से देश के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है, तो 1 जनवरी 2017 से PMMBY जो योजना है उसे लागू किया जा चुका है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों का महासंघ मतलब कि फिक्की, इसकी स्थापना कब हुई, 1927 में GD बिड़ला के द्वारा, और मुख्यालय नई दिल्ली में है, दिलीप चुनाव इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमें YouTube पर अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा यहाँ पर भी, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और YouTube के साथ साथ आप हमारे Facebook और Insta पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें TikTok अगर हेलो ऐप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और शेयर चैट अगर आप यूज करते हैं वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, आपको हर जगह हमारा अकाउंट तैयारी बिगनर्स की के नाम से मिल जाएगा। और अगर आपको PDF चाहिए क्लास का, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप सारी क्लासेस का जो भी PDF है वो सुटेबल रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की, पहली न्यूज़ की, ऑपरेशन बनीला। अब मेडागास्कर में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन बनीला शुरू किया गया था। चक्रवात डायनी के कारण हुई मेडागास्कर की तबाही में प्रभावित आबादी को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। तो अब आपके लिए क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे बनेगा, एक तो यही बन जाएगा ऑपरेशन बनीला किस उद्देश्य से चलाया गया था, तो मेडागास्कर में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन बनीला चलाया गया। चक्रवात डायनी किस जगह आया हुआ था, तो मेडागास्कर में चक्रवात डायनी आया हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नागार्धन उत्खनन बाकाटक वंश। हाल ही में नागपुर के पास रामटेक तालुका के नागार्धन में पुरातत्व खुदाई हुई थी। खुदाई में बाकाटक वंश के जीवन, धार्मिक संघों, व्यापार प्रथाओं पर ठोस साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने 3 और 5वीं शताब्दी के बीच मध्य और दक्षिण भारत के हिस्सों पर शासन किया था। पहली बार 1500 साल पुरानी सीलिंग की खुदाई की गई, जो न्यूमिस्मैटिक डाइजेस्ट में एक अध्ययन मार्ग का प्रशस्त करती है। ठीक है, इसमें रानी प्रभात गुप्त के अधीन बाकाटक शासन को समझने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो अब आपके लिए क्या है कि नागपुर जो है वहाँ पर पुरातत्व खुदाई की गई है, जहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले हैं 3री और 5वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर, जिन्होंने शासन किया था बाकाटक वंश ने जिस शासन किया था, उनके कुछ साक्ष्य, ठोस साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे व्यापार के, धार्मिक, उनकी धार्मिक संघ जो थे उनकी व्यापार प्रथा क्या थी, वो सब उनके बारे में ठोस साक्ष्य मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस, ये तो हमने कल आपको बताया था, कल था 4 फरवरी, तो कल मनाया गया था विश्व कैंसर दिवस। कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष कैंसर दिवस का जो विषय रहा वो रहा आई एम एंड आई विल। ओके, अब ऊतक या शरीर के किसी भी अंग में कोशिकाओं की अनियंत्रित और असामान्य वृद्धि के कारण कैंसर हो जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। अगर थीम पूछा जाएगा तो आपको याद रखना आई एम एंड आई विल। ओके, अब स्फूर्ति योजना के बारे में देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय ने पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना स्फूर्ति को लागू किया। इसके अंतर्गत खादी, नारियल, रेशे, ग्रामोद्योग जैसे परंपरागत उद्योगों के लिए क्लस्टर विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। एमएसएमई मंत्रालय जो है उसने स्फूर्ति योजना का प्रारंभ किया है। क्यों किया है? खादी, नारियल, रेशे और ग्रामोद्योग जैसे जो उद्योग होते हैं उनके क्लस्टर को विकसित करने के लिए उन्हें वित्तीय फाइनेंशियल जो भी हेल्प की जाएगी वो उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने पोर्टल संतुष्ट का शुभारंभ किया है। अब हमारे केंद्र सरकार द्वारा एक संतुष्ट नामक पोर्टल जो है शुभारंभ किया गया, तो क्यों शुरू किया गया? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल संतुष्ट शुरू कर दिया है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, संतुष्ट नामक जो ऑनलाइन पोर्टल है किसके द्वारा शुरू किया गया? श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। यह श्रम और रोजगार से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल माह को अपनाने का मार्ग है। जो भी रोज़गार है और श्रम है उससे संबंधित जो भी ऑनलाइन डिटेल होगी वो इससे मुहैया कराई जाएगी। ओके, काला घोड़ा कला उत्सव। अब काला घोड़ा कला उत्सव कहीं मनाया गया है तो उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। 1 फरवरी 2020 को मुंबई का पसंदीदा काला घोड़ा कला उत्सव शुरू हुआ है। 9 दिवसीय उत्सव में लोगों को समकालीन कलाकृतियों, संगीत, रंगमंच, स्टैंड अप कॉमेडी सहित कई उत्सवों और दक्षिण मुंबई की सड़कों पर बहुत कुछ का आनंद लेने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बनेगा तो ये पूछ सकते हैं काला घोड़ा कला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मुंबई में, मतलब कि महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाती है मुंबई। ओके, अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की। तो स्पेशल नॉलेज के द्वारा हम आज अब जीएसटी के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। जीएसटी आप सभी को पता भी होगी पर अब आज जीएसटी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ये टैक्स तब लगता है जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं। इस तरह से जीएसटी हमारे ऊपर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स है। अब क्वेश्चन ये बनता है जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 में इस टैक्स को लागू कर दिया गया था। इससे पहले टैक्स, एक्सरसाइज टैक्स, सर्विस टैक्स, कई तरह के टैक्स लिए जाते थे। अब जीएसटी ने तमाम टैक्स को शामिल कर दिया। मतलब पहले अलग अलग टैक्स दिए जाते थे, सेल्स टैक्स, एक्सरसाइज टैक्स, सर्विस टैक्स, और जीएसटी के आने के बाद ये सब जो भी टैक्स अलग अलग लग रहे थे उनका एक कंपाइल कर दिया गया। जीएसटी जो होते हैं वे तीन तरह के कर होते हैं। सीजीएसटी ये केंद्र सरकार द्वारा राजस्वीकृत किया जाता है। SGST राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। IGST ये अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा राजस्व कर किया जाता है। अब जो भी हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे तो GST से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टॉप टू बॉटम, वो सारे क्वेश्चन हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड में दे दिए हैं। तो आप पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला। अब स्टेट की डिस्कस करेंगे, छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर, और नवा रायपुर जो होता है मतलब कि नया रायपुर, उसका नाम कर दिया गया है अटल नगर। सबसे बड़ा शहर है रायपुर। जिले छत्तीसगढ़ में 28 हैं। राजभाषा यहाँ की हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। ओके, गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। सरकार यहाँ की छत्तीसगढ़ है। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और भूपेश बघेल जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री है। अनुसुईया उइके जो है वो नई नियुक्त हुई हैं, तो ये आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है। विधानसभा की सीटें 90 हैं और राज्यसभा में 5 सीटें आती हैं। लोकसभा में 11 सीटें आ जाती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यहाँ पर? 28 डिस्ट्रिक्ट, लोकसभा, राज्यसभा। तो डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 28। और
पांच कितनी है लोकसभा और ग्यारह है लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो हैं पांच हैं। उच्च न्यायालय जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है बिलासपुर में है और वर्तमान जो न्यायाधीश हैं वो हैं रामचंद्र मेनन जी। एक संसाधन छत्तीसगढ़ जो है एक संसाधन संपन्न राज्य है। यह देश के लिए बिजली और इस्पात का एक स्रोत है जिसका कुल उत्पादन कुल स्टील जो होता है 15% है। ओके, कुल स्टील का उत्पादन जो करते हैं ये 15% करते हैं। जो जितनी भी भारत के अंदर स्टील का उत्पादन होता है उसका 15% छत्तीसगढ़ के अंदर होता है। छत्तीसगढ़ से और दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी आदि महोत्सव मनाया गया था हाल ही में। ओके, दिल्ली में भी आदि महोत्सव मनाया गया था, छत्तीसगढ़ में भी आदि महोत्सव मनाया गया था। ओके, और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसमें पहला कचरा कैफ़े खोला गया है। वहाँ पे क्या है कि आप गार्बेज कैफ़े खोला गया है, वहाँ पे क्या है कि आप कचरा लेकर आइए और आपको खाना मिलता है उसके बदले। ओके, अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर रहेंगे। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो रहेंगे वो रहेंगे जीएसटी के अंदर। जीएसटी कितने प्रकार की होती है? तो जीएसटी होती है तीन प्रकार की, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू कर दिया गया था? तो 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर को लागू कर दिया गया था। जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 33 है। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान किया जाता है? 5 वर्ष का। जीएसटी बिल को राज्यसभा तथा लोकसभा में कब पारित किया गया था? 3 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया और 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में पारित कर दिया गया था। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है, बहुस्तरीय गंतव्य आधारित ये जीएसटी कर है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान का कितने वर्षों तक केंद्र 100% भरपाई करेगा? 5 वर्ष तक। जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में कितने परसेंट वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 2%। जीएसटी में समाहित कुल अप्रत्यक्ष कर तथा अधिमार मतलब शेष की संख्या क्रमशः कितनी है? 17 अप्रत्यक्ष कर हैं तथा 23 अधिमार कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? तो जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी थी 8 सितंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है असम राज्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम में आया हुआ भी है। जीएसटी पंजीकरण में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 15 होती हैं। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। वे प्रमुख वस्तुएं तथा सेवाएं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, तो वो शराब और पेट्रोलियम वस्तुएं तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। 8% दर वाली वस्तुओं का कुल परसेंट कितना है? तो 19% जो वस्तुएं हैं वो 8% दर वाली वस्तुओं में आती हैं। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ जीएसटी लागू नहीं है तो जम्मू कश्मीर। जब यहाँ पर 370 आर्टिकल यूज होता था, अब ऐसा है नहीं तो यहाँ पर भी जीएसटी लागू हो चुकी है। ओके, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो वो था फ्रांस। 1954 में उन्होंने इसे जीएसटी बिल को लागू कर दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे असीम दास गुप्ता जी। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया, तो 122वां संविधान संशोधन और 101वां जो है आर्टिकल है। ओके, जीएसटी की दरें किसी प्रकार होती हैं? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जो है जीएसटी की दरें हो जाती हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। भारत का जीएसटी जिस देश के मॉडल पर आधारित है वो कौन सा है? कनाडा मॉडल है जिस पर जीएसटी जो है आधारित है। वार्षिक टर्नओवर की वह सीमा जिसके ऊपर कारोबारियों को जीएसटी पंजीकरण व भुगतान करना होगा, तो 20 लाख रुपए, विशेष राज्यों में 10 लाख रुपए। ओके, अब बात करेंगे स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके जो भी रहेगा उसकी। तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स जो हैं उनकी हम डिस्कस करेंगे। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है। भारत में सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, ये तो आप सभी जानते होंगे। भारत में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बाघों का सर्वाधिक घनत्व जो है
वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु कौन सा है, तो वो है चीतल। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहते हैं। अब जो मध्य प्रदेश में एक रीवा जगह है उसे सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचन कमार बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश के अंदर आपको मिल जाएगा। और टाइगर रिजर्व कौन कौन से, कान्हा टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व, ये सभी मध्य प्रदेश के अंदर मिल जाएगी। और आपको वन मतलब जैसे राष्ट्रीय उद्यान याद रखनी हो तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, कान्हा, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आपको मध्य प्रदेश के अंदर मिल जाएंगे। ओके, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। और स्पेशल नॉलेज में हमने जीएसटी को डिस्कस किया, उससे संबंधित एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे वो भी हमने डिस्कस किए। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आप हमें फेसबुक इंस्टा पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर और शेयर चैट अगर आप यूज करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप डेली मोशन वेबसाइट अगर यूज करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कुछ प्रश्न करना तो आपका उत्तर दे दिया जाएगा, अननेसेसरी कोई भी कमेंट आप नहीं कर सकते हैं। ओके, और अपना ख्याल रखिए, तैयारी निरंतर करते रहिए, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और अपने मन में हमेशा जुनून लेकर चलिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, चाहे कितनी भी कठिनाई आए हमें नहीं रुकना है, चलते ही जाना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।